आज हम अपनी माँ का दर्शन करने आए हैं, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने आए हैं। कई दिनों से काफी गैप हो गया था पिछले दर्शन से इस दर्शन तक, तो मैं अक्सर ही आता रहता हूँ माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में, यहीं के बल से खड़े हैं। एक पीछे बहुत सारी माँ के चरणों में प्रार्थना करते रहते थे, जो प्रार्थना करता हूँ सब सफल हो जाती है, तो माँ विंध्यवासिनी के चरणों में शीश नवाने आए। सर बिहार जीत पर क्या कहेंगे? सब माँ विंध्यवासिनी कृपा है। मैंने चुनाव प्रचार करते हुए वहाँ भी माँ का ही ध्यान किया, माँ से ही मन्नत मानी। आज इस नाते एक विशेष भाव से माँ के चरणों में नतमस्तक हूँ। और देखिए, माँ को तो सब कुछ कहना भी नहीं पड़ता है ना, माँ को तो इतना ही कहिए, माँ आप शक्ति रखो, आप कृपा रखो, बाकी हम अपना प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सर डिप्टी सीएम को लेकर वहाँ पे सस्पेंस है, किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि सुशील मोदी जी ने कह दिया कि हमको बीजेपी ने बहुत दिया, अब हम कार्यकर्ता तो कोई नहीं छीन सकता हमको। अब वो भी मैं समझता हूँ आज शपथ ग्रहण होगा तो उसी समय पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा थोड़े देर की बात है। पार्टी डिसाइड कर रही है कि किसको बनाया जाए। ये भी सत्य है कि एक की जगह दो की भी बातचीत डिस्कशन में है, तो मूल उद्देश्य ये है कि बिहार को नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व में और दो भाजपा के या जो भी संख्या होती हो उनके डिप्टी सीएम के रूप में हम लोग बिहार को आत्मनिर्भर बिहार के परम लक्ष्य तक पहुंचाएं, उसके लिए आज थोड़ा सा इंतजार और है। मैं हमसे सब कुछ क्यों कहलवाते हैं, थोड़ा नहीं सर, नाराज लग रहे हैं क्या सुशील मोदी, इतना मेहनत करने के बाद उनका भी तो चुनाव में भी रहा और विकास में भी रहा है। नहीं नहीं, नाराज नहीं, अब तो क्या है, ये बीजेपी है ना, यहाँ तो बारी बारी से सबको मौका मिलता है। और आप सुशील मोदी जी ने खुद ही बहुत अच्छा लिखा है ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि हमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पर आगे भी उनकी सेवाएं पार्टी अपने ढंग से लेगी।